नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के क्विज में। प्रश्न एक, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2026, ऑप्शन डी 2030। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी। सभी के लिए आवास मिशन जून 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना के लिए मूल्य समय सीमा मार्च 2022 थी, जिसका उद्देश्य सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के घर उपलब्ध कराना था। प्रश्न दो, किस भारतीय राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए निथन्ना बीमा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के अवसर पर बुनकरों के लिए निथन्ना बीमा योजना शुरू की। यह योजना पात्र लाभार्थियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में बुनकरों के परिवार को 5 लाख का बीमा कवर प्रदान करेगी। तेलंगाना सरकार ने निथन्ना बीमा योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा LIC के साथ साझेदारी की है। प्रश्न तीन, हाल ही में श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर किस देश के शोध जहाज को डॉक करने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, श्रीलंका ने पहले भारत और अमेरिका की चिंताओं के बीच चीन से अपने पोत को भेजने के कार्यक्रम को टालने को कहा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसने चीन को जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह भेजने की अनुमति दे दी। प्रश्न चार, किस संस्थान ने वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी CNES, ऑप्शन डी JAXA। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल स्पेस टेक पार्क स्पार्क का अनावरण किया। इसे इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा लॉन्च किया गया और यह वर्चुअल स्पेस संग्रहालय लॉन्च वाहनों, उपग्रहों, वैज्ञानिक मिशनों के साथ साथ भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित कई दस्तावेजों, छवियों और ऑडियो को होस्ट करता है। प्रश्न पाँच, भारत बायोटेक ने हाल ही में किस देश से पहले इंट्रानेजल वैक्सीन का परीक्षण पूरा किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, भारत बायोटेक की COVID-19 की BBV-154 इंट्रेंजल वैक्सीन का तीसरा क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। कंपनी ने ड्रग रेगुलेटर को वैक्सीन का डेटा सौंप दिया है। इसमें कहा गया है कि यह वैक्सीन पहले और दूसरे ट्रायल में सेफ और इम्यूनोजिक साबित हुई है। यह वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर दी जा सकेगी। प्रश्न छह, हाल ही में किसने श्रीलंकाई नौसेना को डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमापन सौंपा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, भारत ने हाल ही में एक समारोह में श्रीलंकाई नौसेना को एक डॉर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा, जो द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और बढ़ाएगा। इस अवसर पर यहां भारतीय राजदूत ने कहा कि भारत और श्रीलंका की सुरक्षा आपसी समझ, परस्पर विश्वास और सहयोग से बड़ी है। प्रश्न सात, किस राज्य को अगस्त्यमलाई में
अपना पांचवा हाथी रिजर्व मिला है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब तेरुना नवेली जिले के अगस्त्या मलाई में अपना पांचवा हाथी रिजर्व मिल गया है। उन्होंने ट्वीट किया, हाथी वन पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 8, भारतीय वायु सेना किस देश द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास में भाग लेगी? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, भारतीय वायु सेना मलेशिया द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगी। भारतीय वायु सेना का एक दल उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए आज मलेशिया के लिए रवाना हो गया है। प्रश्न 9, SBI किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी मलेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, भारतीय स्टेट बैंक 2 और वर्ष के लिए बांग्लादेश में भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का प्रबंधन करेगा। संचालन को 2 और वर्ष के लिए विस्तृत करने के समझौते पर SBI और ढाका में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों के बीच हस्ताक्षर किए गए। IVAC जल्द ही कुछ अतिरिक्त सेवाएं भी शुरू करेगा, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने और फॉर्म जमा करने, स्लॉट बुकिंग और मोबाइल ऐप लॉन्च करने की सुविधा शामिल है। ढाका में IVAC केंद्र में एक प्राथमिकता लॉन्च का भी उद्घाटन किया गया। प्रश्न 10, हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, वर्ष 2021 में क्रिप्टो करेंसी रखने वाली आबादी के मामले में शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले 20 देशों में से 15 देश विकासशील देश थे। इस सूची में 12.7% के साथ यूक्रेन सबसे ऊपर था। उसके बाद रूस 11.9% और वेनेजुएल 10.3% के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर थे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के क्विज में। प्रश्न 1, ट्रांस हिमालयी मल्टी डायमेंशन कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन से देश जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए चीन नेपाल, ऑप्शन बी भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत नेपाल, ऑप्शन डी चीन बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, चीन ट्रांस हिमालयी बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क के तहत नेपाल के साथ सीमा पार रेलवे के लिए एक व्यवहारिक अध्ययन के वित्त पोषण के लिए सहमत हुआ है। प्रश्न 2, 2022 नेचर इंडेक्स रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन सा विश्वविद्यालय पहला है? ऑप्शन ए उस्मानीय विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी पंडिचेरी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी हैदराबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी अन्ना विश्वविद्यालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, 2022 नेचर इंडेक्स रैंकिंग में हैदराबाद विश्वविद्यालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में इसे 16वें स्थान पर रखा गया है। हैदराबाद को 72 शोध पत्रों और शैक्षणिक क्षेत्र में 19.46 की हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर रखा गया था। प्रश्न 3, समुद्री तट की रक्षा के लिए किस राज्य ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, उड़ीसा सरकार ने
विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात, मिट्टी के कटाव और उच्च ज्वार आदि से तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न 4, हाल ही में किसने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा शुरू किया है? ऑप्शन ए बीएसएफ, ऑप्शन बी आरपीएफ, ऑप्शन सी सीआईएसएफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। इस पहल के तहत यात्रियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रश्न 5, अटल पेंशन योजना के नियमों में हाल ही के परिवर्तनों के अनुसार लाभार्थियों की किस श्रेणी को बाहर रखा गया है? ऑप्शन ए राज्य सरकार के कर्मचारी, ऑप्शन बी केंद्र सरकार के कर्मचारी, ऑप्शन सी आयकर दाता, ऑप्शन डी विदेश वाले प्रवासी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया है जिसे 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी किया जाएगा। वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है वह इसमें शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। प्रश्न 6, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री मध्यस्थता केंद्र, ऑप्शन डी भारत पंचायत केंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, केंद्र सरकार ने लोकसभा में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022 पेश किया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन करने के लिए विधेयक को पेश किया, जिसके बाद लोकसभा ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र करने के लिए एक विधेयक पारित किया। प्रश्न 7, किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने स्माइल के तहत भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास को लागू करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है। प्रश्न 8, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, मौलिक कर्तव्यों का विचार आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नंबर 2, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। नंबर 3, ये प्रकृति में न्यायोचित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A में सूचीबद्ध है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं।
प्रश्न 9, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 1082, ऑप्शन बी 1100, ऑप्शन सी 1500, ऑप्शन डी 1535। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: केंद्र गृह मंत्रालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 1082 पुलिस कर्मियों को पदक की विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस कर्मियों को सेवा पदकों की विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। प्रश्न 10, भारत अप्रैल 2023 में कितने प्रतिशत इथेनॉल के साथ पेट्रोल की आपूर्ति करेगा? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 5%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: भारत में एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए भारत में अगले साल यानी अप्रैल 2023 से सिलेक्टेड पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ पेट्रोल की आपूर्ति शुरू होगी। हालांकि धीरे धीरे इसे बढ़ाया जाएगा और कुछ समय बाद सभी पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के क्विज में। प्रश्न 1, भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए गूगल इंडिया, ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑप्शन सी इंडियन ऑयल लिमिटेड, ऑप्शन डी टाटा एयरवेज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन में सुधार के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और भारतीय ओलंपिक संघ ने साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन को आगे बढ़ाना, राष्ट्रीय खेल महासंघों का सहयोग और भविष्य में ओलंपिक खेल की मेजबानी करने के लिए एक वैश्विक खेल राष्ट्र के रूप में भारत की शाख का निर्माण करना है। इस साझेदारी के तहत RIL और IOA पेरिस ओलंपिक 2022 में पहली बार इंडिया हाउस भी स्थापित करेगा। प्रश्न 2, नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक हाल ही में हुई थी। इस बैठक में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल हुए थे? नंबर 1, राज्यों यूटी के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल। नंबर 2, नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नंबर 3, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी। इस प्रश्न के ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक 7 अगस्त को राष्ट्रपति भवन स्थित सांस्कृतिक केंद्र में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ने की। नीति आयोग की शासी परिषद के सदस्यों में भारत के प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों यूटी के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल शामिल हैं। प्रश्न 3, दिल्ली में हाल ही में पहली अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश में विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी अनुच्छेद 43। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: दिल्ली में 30 से 31 जुलाई को अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई थी। इसका आयोजन यहां राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। प्रश्न 4, हाल ही में जारी
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर एक, इस इंडेक्स में जापान पहले और भारत 87वें स्थान पर है। नंबर दो, यह रैंकिंग किस देश द्वारा पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पर आधारित होता है? नंबर तीन, भारत के पासपोर्ट पर बिना वीजा के 60 देशों की यात्रा की जा सकती है। इस प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 आंकड़े में 199 देशों में पावरफुल पासपोर्ट के आधार पर रैंकिंग की गई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान पहले स्थान पर रहा, सिंगापुर और साउथ कोरिया इस क्रम में दूसरा स्थान, जबकि जर्मनी और स्पेन देशों के पासपोर्ट तीसरे स्थान पर रहे। भारत के पासपोर्ट को 87वें स्थान की रैंकिंग मिली है। भारत के पासपोर्ट पर यात्री बिना वीजा के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। यह रैंकिंग पासपोर्ट के जरिए वीजा मुक्त प्रवेश के आधार पर तय की जाती है। प्रश्न 5, भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों के दल ने डोर्नियर 228 विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा कर इतिहास रचा है। इस मिशन की कप्तानी किसने की थी? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट शिवांगी, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट पूजा पांडे, ऑप्शन डी लेफ्टिनेंट आंचल शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों के दल ने डोर्नियर 228 विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला स्वतंत्र समुद्री निगरानी मिशन पूरा कर इतिहास रचा है। मिशन की कप्तानी लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की। इस दल में लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा, लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते, लेफ्टिनेंट पूजा पांडे और सब लेफ्टिनेंट पूजा शिखावत शामिल थी। प्रश्न 6, विश्व बैंक ने किस भारतीय को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकासात्मक अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी इंद्रमती गिल, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी अंशुला कांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, विश्व बैंक ने भारतीय नागरिक इंद्रमती गिल को मुख्य अर्थशास्त्री और विकासात्मक अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री गिल अमेरिकी अर्थशास्त्री कारमेन रिनहर्ट का स्थान लेंगे और उनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगी। प्रश्न 7, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, तृतीय न्यायाधीश मामले में फैसला सुनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में केवल सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। नंबर 2, तृतीय न्यायाधीश मामले में सर्वोच्च न्यायालय जजों की नियुक्ति की अनुशंसा करने के लिए कॉलेजियम की वर्तमान संरचना का निर्माण किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, तृतीय न्यायाधीश के मामले में न्यायालय ने कहा कि सीजेआई द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिए एक से अधिक न्यायाधीशों के परामर्श की आवश्यकता होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र सलाह के आधार पर परामर्श प्रक्रिया को पूर्ण नहीं समझा जाना चाहिए। उसे सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए और यदि 2 न्यायाधीश भी विपक्ष में राय देते हैं, ऐसी स्थिति में उसे सरकार को सिफारिश नहीं भेजनी चाहिए। प्रश्न 8,
कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: राजस्थान सरकार ने साल 2021 से 22 में मुख्यमंत्री अनुप्रित कोचिंग योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत छात्रों को प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 17.15 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इस योजना के तहत सीटों की संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विशेष रूप से विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है। प्रश्न 9। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया कहाँ विकसित हुआ? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: भारत का पहला 3D प्रिंटिंग कॉर्निया LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट IIT हैदराबाद और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया। इस कॉर्निया को इंसान की आंख के कॉर्नियल टिश्यू से बनाया गया है। प्रश्न 10। किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को 2% नौकरी का आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: कर्नाटक सरकार ने घोषणा की है कि वह राज्य के मेधावी एथलीटों के लिए सभी सरकारी नौकरियों का 2% आरक्षण रखेगी। वर्तमान में खेल कोटा में केवल पुलिस और वन विभाग शामिल है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बर्मिंघम में हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेल में पदक विजेताओं के सम्मान समारोह के दौरान कहा, सरकार ने महसूस किया है कि खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के क्विज में। प्रश्न 1। कितने शहरों ने हाल ही में खुद को सफाई मित्र सुरक्षा शहर घोषित किया है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 500। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत भर के 500 शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। इन शहरों ने मंत्रालय द्वारा निर्धारित पर्याप्त संस्थागत क्षमता, जनशक्ति और उपकरण मानदंड हासिल किए और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षित काम करने की स्थिति प्रदान की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी सतत स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देता है। प्रश्न 2। किस राज्य ने विद्यारत स्कूल ऑन व्हीकल परियोजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी असम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने विद्यारत स्कूल ऑन व्हीकल परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वंचित बच्चों को 10 महीने के लिए प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है। 10 महीने बाद बच्चों को शिक्षा की समान प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन, वर्दी और पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। प्रश्न 3। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में बच्चों के लिए स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। प्रश्न 4, IFFM 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए सरदार उधम, ऑप्शन बी गंगूबाई काठियावाड़ी, ऑप्शन सी 83, ऑप्शन डी जय भीम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, कबीर खान की स्पोर्ट्स ड्रामा 83 और इसके स्टार रणवीर सिंह ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। प्रश्न 5, नेटग्रिड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आदर्श चौहान, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी राकेश मिश्रा, ऑप्शन डी पीयूष गोयल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, नागालैंड कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी पीयूष गोयल को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए नेटग्रेड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। प्रश्न 6, चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली का क्या नाम है? ऑप्शन ए डीजी यात्रा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री डिजिटल यात्रा अभियान, ऑप्शन सी भारत यात्रा, ऑप्शन डी भारत फेस आरटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित यात्री प्रसंस्करण प्रणाली है। इस तकनीक के साथ सभी चेक पॉइंट चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्रियों की प्रविष्टियों को संचालित रूप से संसाधित करेगा। प्रश्न 7, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और CARF कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 107, ऑप्शन सी 94, ऑप्शन डी 81। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर सशस्त्र बलों, केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों को 107 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। प्रश्न 8, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला सहयोगी स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अजीम प्रेम जी, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी रतन टाटा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, उद्योगपति रतन टाटा ने अंतर पीढ़ीगत मित्रता को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला सहयोगी स्टार्टअप गुड फेलो लॉन्च किया है। प्रश्न 9, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई शुरू की है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, अरुणाचल प्रदेश ने ड्रोन सेवा द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की पहली उड़ान सेपा से चियांग ताजो तक सफलतापूर्वक लॉन्च की। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से स्वास्थ्य, कृषि और आपदा प्रबंधन में ड्रोन के उपयोग की एक पायलट परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रश्न 10, कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल जिला बना है, जहां सभी लोगों के नल से पानी का साफ जल मिल रहा है? ऑप्शन ए अमेठी, ऑप्शन बी अनुगुल, ऑप्शन सी बुरहानपुर, ऑप्शन डी अमरावती। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का पहला ऐसा जिला है जहां सभी 254 गांवों में लोगों को नल से पीने का साफ जल मिल रहा है। रेडीज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या, हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने दवा नियामक को
अपने इंट्रानेसल कोविड वैक्सीन उम्मीदवार BBV154 के चरण 3 नैदानिक परीक्षणों से डेटा प्रस्तुत किया है। प्रश्न 2, HEI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में किस शहर की औसत PM2.5 स्तर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, अमेरिका बेस्ट हेल्थ इन्फेक्ट इंस्टीट्यूट ने एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट जारी की। यह फाइन पर्टिकुलेटर मैटर यानी PM2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 पर ध्यान केंद्रित करते हुए दुनिया भर के 7000 से अधिक शहरों में वायु प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 तक फाइन पार्टिकल प्रदूषकों यानी PM2.5 में सबसे अधिक वृद्धि वाले 20 शहरों में 18 शहर भारत में हैं। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में दिल्ली में फाइन PM2.5 का उच्चतम औसत स्तर है। प्रश्न 3, किस सीमा तक कृषि ऋण के लिए 1.5% प्रति वर्ष का ब्याज सहायता स्वीकृत की गई है? ऑप्शन ए 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी 4 लाख रुपए, ऑप्शन सी 6 लाख रुपए, ऑप्शन डी 3 लाख रुपए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र मंत्रिमंडल ने 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता को मंजूरी दी। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इसे मंजूरी दी गई है। प्रश्न 4, ब्लॉकचेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह केंद्रीकृत कंप्यूटर नेटवर्क का एक रूप है। नंबर 2, एस्टोनिया दुनिया की ब्लॉकचेन राजधानी कही जाती है। नंबर 3, ब्लॉकचेन का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी सिस्टम में किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या, एक ब्लैक चेन विकेंद्रीकृत विस्तृत डेटाबेस या खाता बही का एक रूप है जिसे कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स के बीच साझा किया जाता है। दुनिया की ब्लॉकचेन राजधानी कहे जाने वाली एस्टोनिया द्वारा आम जनता को दी जाने वाली सभी ई गवर्नेंस सेवाओं को सत्यापित और संसाधित करने के लिए ब्लॉकचेन अवसंरचना का उपयोग कर रही है। लेनदेन के सुरक्षित और विकेंद्रीकृत रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी सिस्टम में ब्लॉकचेन को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रश्न 5, गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। नंबर 2, प्रवरा और मनेर गोदावरी की बाएं किनारे की सहायक नदी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा पुदुचेरी के मध्य क्षेत्र के छोटे हिस्सों में फैला हुआ है। प्रश्न 6,
सरकार मरम्मत का अधिकार के लिए एक कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसकी तैयारी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए निधि खत्री, ऑप्शन बी रोहित कुमार सिंह, ऑप्शन सी रवि झा, ऑप्शन डी फैज अहमद किदवई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। व्याख्या: सरकार मरम्मत का अधिकार के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उपभोक्ता मामले के विभाग ने निधि खत्री के नेतृत्व में एक समिति गठित की है। राइट टू रिपेयर कानून के तहत कंपनी ग्राहकों के पुराने सामान को रिपेयर करने में मना नहीं कर सकती है। प्रश्न 7। अमेरिका ने निम्नलिखित किसके उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल किए जाने पर अनुमोद हाल ही में किया है? नंबर 1 स्वीडन, नंबर 2 फिनलैंड, नंबर 3 यूक्रेन। इस प्रश्न के ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 3, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या: स्वीडन और फिनलैंड औपचारिक रूप से उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 9 अगस्त को दोनों देशों के नाटो गठबंधन में शामिल होने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न 8। उपभोक्ता मामले के विभाग ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कर सशक्त बनाने हेतु किस नाम से एक शुभंकर का अनावरण किया है? ऑप्शन ए समझदारी, ऑप्शन बी ग्राहकी, ऑप्शन सी जानकारी, ऑप्शन डी जागृति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: उपभोक्ता के मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक कर सशक्त बनाने हेतु जागृति नाम का शुभांकर का अनावरण किया है। इससे विभिन्न मीडिया अभियानों में टैगलाइन जागो ग्राहक जागो के साथ दिखाया जाएगा। प्रश्न 9। अमेरिका, चीन और ताइवान के हाल ही के घटनाक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, अमेरिका आधिकारिक तौर पर ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। नंबर 2, चीन में हांगकांग और ताइवान दोनों की राजनीतिक स्थिति समान है। नंबर 3, चीन अपने वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या: हाल ही के दिनों में अमेरिका और चीन के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। दोनों देशों के बीच तनाव तब चरण पर पहुंच गया जब अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी चीन की चेतावनी के बावजूद 2 अगस्त को ताइवान पहुंच गई। चीन अपने वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को अलग देश की बजाय अपना अभिन्न अंग मानता है। दूसरी तरफ ताइवान खुद को एक अलग और संप्रभु राष्ट्र मानता है। हांगकांग चीन का आधिकारिक तौर पर विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। प्रश्न 10। भारत में कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत रामसर स्थल है? ऑप्शन ए 1.5%, ऑप्शन बी 2.5%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 5%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या: रामसर कन्वेंशन के तहत भारत के 11 नए अर्धभूमि को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। भारत में अब कुल 75 रामसर स्थल है जो देश की कुल भूमि का लगभग 5% है। ये क्षेत्र देश के 13.27 लाख हेक्टेयर भूमि में फैले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए क्विज के साथ। तब
तक के लिए नमस्कार।